सो हे गाइस, कसा आहात तुम्ही? मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉचर। तो कल ठीक 6:20 मूवी का तमिल ट्रेलर सन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। अभी तो सिर्फ तमिल लैंग्वेज में ही इसका ट्रेलर आया है और आज सन पिक्चर्स ने पोस्ट किया है कि वो तेलुगु ट्रेलर 5 अप्रैल को शाम 6 बजे रिलीज करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होगी कि वो एक एक करके ट्रेलर ड्रॉप करने वाले हैं और हिंदी ट्रेलर 10 अप्रैल तक आ ही जाएगा। वेल, आई होप सो कि आ जाए। और उसका हिंदी नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया है, उसका नाम बीस नहीं बल्कि रॉ है। और इस मूवी के लीड में है विजय तेलापति और पूजा हेगड़े। ट्रेलर से तो ये एक हॉस्टेज ड्रामा लग रहा है, बस इसमें बाहर से कोई पुलिस ऑफिसर इंटरफेयर नहीं करेगा बल्कि अंदर से खुद एक स्पेशलाइज्ड स्पाई होगा, वो मिशन को अंजाम देगा। और वो स्पाई यानी विजय सर, ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है, वो होता है रॉ का। और वो बोल रहा होता है कि उसे 10 बजे सुबह फोन आया और उसे कहा गया कि चेन्नई के ईस्ट कोस्ट मॉल पे टेररिस्ट अटैक हुआ है और वहाँ पर हॉस्टेज सिचुएशन है। तो रॉ को गवर्नमेंट और टेररिस्ट के बीच में नेगोशिएटर का रोल प्ले करना है। और फिर हमें थोड़ी सी कॉमेडी दिखाई देती है और ऑफिसर बोलता है कि अगर मैंने इस बिल्डिंग पे छींक भी दिया तो ये बिल्डिंग गिर पड़ेगी, तुम्हें इससे अच्छी बिल्डिंग नहीं मिली क्या? और फिर दूसरा ऑफिसर बोलता है कि ये सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की विद द नरेशन कि हॉस्टेज सिचुएशन के बैड न्यूज़ के साथ एक खुशखबर भी है कि हमारा एक लड़का इस अटैक के दौरान इस मॉल में मौजूद था। और मैं उसे लड़का कह रहा हूँ तो उसे हल्के में मत लेना, वो वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट नोटोरियस स्पाइज वी एवर हैड, जिसका नाम है वीरा राघवन और विजय सर ने ये कैरेक्टर प्ले किया है। और इसी इंट्रोडक्शन के साथ और उसके बाद हम कुछ शॉर्ट्स देखते हैं कि कैसे वीरा राघवन ने टेररिस्ट को ख़त्म किया है। और फिर हमें कुछ शॉर्ट्स में इस मूवी की हीरोइन पूजा हेगड़े दिखाई देती है और वो भी थोड़े से टाइम के लिए। इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो टेररिस्ट के शॉर्ट्स दिखाए गए हैं वहाँ पर उन्होंने क्रिसमस कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, तो हाँ ये क्रिसमस के टाइम पर ही हो रहा है। और फिर शॉर्ट आता है लिफ्ट में का, वो बंदा मुझे एक ही इंसान की याद दिलाता है, वो ब्रेकिंग बैड में से वॉल्टर व्हाइट। वेल, मुझे तो उसके जैसा ही लग रहा है, हाँ पूरा नहीं बट थोड़ा तो लग रहा है, आप ही देख सकते हैं स्क्रीन पे। और किसको किसको लगता है कि वो सेम ही लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हाँ, बेसिकली ये मूवी बेस्ड ऑन होने वाली है एक हॉस्टेज सिचुएशन पे, जैसे कुछ दिन पहले मूवी आई थी अटैक। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि अटैक में मेन कैरेक्टर एक सुपर सोल्जर होता है और इसमें बीस्ट एक स्पाई। तो ट्रेलर में तो एक्शन सिक्वेंस प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, लेट्स होप कि मूवी में भी ऐसा ही हो। तो इस ट्रेलर से आपको क्या लगता है कि क्या ये मूवी सिर्फ हॉस्टेज ड्रामा बन के रह जाएगी या उन्होंने कोई सरप्राइज एलिमेंट प्लान किया होगा मूवी में? मीनर लीनर स्ट्रॉन्गर, कैन यू फील द पावर? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद। प्लीज सब आई वांट टू रीच 1 मिलियन लाइक्स।